हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बॉडी फ्लूइड्स को लेके, यानी कि आज हम साइटोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, और वो भी पूरे डिटेल में। आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें हम बताएंगे कि जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका कैसे सीक्रेशन होता है और कहाँ से उनको कलेक्ट किया जाता है, और फिर कैसे कलेक्ट करने के बाद उनकी साइटोलॉजी की जाती है और फिर उनको डायग्नोस किया जाता है। तो आज के जो वीडियो है मेरा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो देखना है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जनरली जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के फ्लूइड होने और उनका क्या काम होता है, आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जनरली होता क्या है, एक अडल्ट मैन के अंदर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैन और वोमैन में बॉडी फ्लूइड्स की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। मैन के अंदर जो मेल होते हैं आदमी, उनके अंदर बॉडी फ्लूइड ज़्यादा पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फीमेल। अब देखिए, एक अडल्ट मैन जिसका वेट 70 kg है, यानी कि 70 kg, तो उसके बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड होगा। देखिए, जो किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो, उसका टोटल बॉडी वेट का 60-67% उसके अंदर जो है वो फ्लूइड होता है। टोटल जो बॉडी वेट होता है उसका 60-67% फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होते हैं। अब आप यूं कह लीजिए, अगर किसी का 70 kg वेट है तो उसके अंदर 42-47 तक, यानी 42-47 liter तक उसके अंदर बॉडी फ्लूइड मौजूद होगा। अब ये फ्लूइड होते कितने टाइप के हैं, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ICF होता है और एक ECF। ICF का मतलब होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब मैं ECF और ICF आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, ICF का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर का मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होने वाला फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है कि सेल्स के बाहर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर कितना आपका 30-32 liter तक बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा सेल्स के अंदर ही फ्लूइड मौजूद होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो आपका 14-15 liter तक, 14-15 liter तक मौजूद होता है। अब देखिए, जनरली अब यूं कह लीजिए कि बॉडी के अंदर हमारे कितने टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। यूरिन भी एक बॉडी फ्लूइड होता है, जो ब्लड है वो भी एक फ्लूइड है, प्लाज्मा भी फ्लूइड होता है, जो नेजल सलाइवा होता है वो भी फ्लूइड होता है, आप जो हम स्पिट करते हैं, जो हमारे बलगम स्पूटम होता है वो भी एक बॉडी फ्लूइड है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो भी बॉडी फ्लूइड है। काफ़ी टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं उन 6 स्पेसिफिक फ्लूइड्स के बारे में जिनकी हम स्टडी करते हैं साइटोपैथोलॉजी के अंदर। जी हाँ, आपने सही सोचा, अगर आप एक पैथोलॉजी लैब के अंदर काम करते हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट जो 6 फ्लूइड्स होते हैं बॉडी फ्लूइड वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CSF की, जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है। उसके बाद होता है हमारा पेरिटोनियल या फिर एसाइटिक फ्लूइड। देन उसके बाद हम बात करते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद बात करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड, और सबसे लास्ट में आता है हमारा बाल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल एल्वोलियर लेवेज। तो ये जो 6 टाइप के फ्लूइड है, आज हम इनके बारे में हमारा जो पूरा वीडियो है वो होने वाला है, और आपको ध्यान देना है क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज गेन करनी है, अपनी नॉलेज बनानी है, फ्लूइड्स के बारे में ईजिली आपको समझना है। देखिए, क्या होते हैं ये फ्लूइड्स, कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगा ही, साथ ही बाद में हम साइटोपैथोलॉजी के अंदर कैसे जो फ्लूइड होते हैं उनको ईजिली प्रोसेस करते हैं, कैसे हम पूरा प्रोसेस कर पैथोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए, तो पूरी वीडियो देखनी है आपको। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं CSF फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, तो इसका मतलब है कि आप समझ गए दोस्तों
ये CSF फ्लूड जो है, जो हमारा ब्रेन होता है, जो ब्रेन के हमारे अंदर जो हमारे कोलोइड्स होते हैं, ये उनके अंदर मौजूद होता है। कोलोइड्स हमारे जो दिमाग के अंदर जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके अंदर जो ब्लड होता है उसमें मौजूद होता है। और इसका काम होता है वो ब्रेन के अंदर जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एग्जिट करना काम होता है इसका। और साथ ही साथ ये ब्रेन को हमारे न्यूट्रिशंस उसको प्रोवाइड करता है, और उसको जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना उनको प्रोवाइड करता है, जैसे ऑक्सीजन और क्या कहते हैं आयंस, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ये CSF। इसका मेन काम तो यही होता है। साथ ही मैंने आपको बता दिया ये वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करता है, और इसका जो कलेक्शन है जब कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका जो कलेक्शन है वो ब्रेन से, यहाँ से सीधे ब्रेन से होते हुए हमारी जो स्पाइनल पीछे जाती है वो स्पाइनल से इसका कलेक्शन किया जाता है, और कलेक्शन कर फिर इसको लैब में भेजा जाता है, पैथोलॉजी लैब के अंदर जो साइटोपैथोलॉजी है उसमें। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरल फ्लूड की। दोस्तों प्लूरल फ्लूड होता क्या है, देखिए जो हमारी चेस्ट होती है छाती और जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। उस प्लूरल स्पेस के अंदर ये प्लूरल फ्लूड मौजूद होता है। दोस्तों जब इस फ्लूड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है या किसी टाइप का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है तो प्लूरल इन्फ्यूज़न नाम से की एक बीमारी उसमें पैदा होने लगती है। तो तब क्या होता है कि डॉक्टर उसको यहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो प्लूरल स्पेस है वहाँ से इसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी स्टडी करने के लिए साइटोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एसाइटिक या पेरिटोनियल फ्लूड की। दोस्तों पेरिटोनियल फ्लूड होता कहाँ पे है, ये हमारा जो एब्डोमिनल होता है ना, जो हमारा पेट होता है उसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर जो हमारी गुहाएं होती हैं, जो हमारे पेट के अंदर गुहाएं होती हैं उनमें ये लुब्रिकेंट्स का काम करता है। दोस्तों पेरिटोनियल जो फ्लूड है, जो हमारी पेरिटोनियम जो आंतों के ऊपर की जो सतह होती है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, ये उसके अंदर मौजूद होता है और वहीं से इसका कलेक्शन किया जाता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है या तो ये बढ़ जाते हैं या कम हो जाता है तब इसको डॉक्टर वहाँ से कलेक्ट करते हैं पेरिटोनियम से और इसको फिर लैब के लिए भेजा जाता है। और साथ ही मैं इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि ये 5-20 ml के आसपास ये मौजूद होता है पेरिटोनियम के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पेरिकार्डियल फ्लूड के बारे में। देखिए पेरिकार्डियल फ्लूड होता क्या है, कार्डियल से आप समझ गए होंगे कि हम हार्ट की बात करने जा रहे हैं। पेरिकार्डियल दोस्तों एक पेरिकार्डियन नाम की जो हार्ट है झिल्ली होती है उसके ऊपर, यानी कि उसे हम बोलते हैं सुरक्षा कवच, हार्ट का सुरक्षा कवच बोला जाता है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूड जो वो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है ना उसी के अंदर मौजूद होता है। ये एक थैलीनुमा एक आकार होता है उसके अंदर मौजूद होता है। जब इस थैली के अंदर इस पर जो पेरिकार्डियल फ्लूड है इसकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, इसमें फ्लूड की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है तो तब एक पेरिकार्डिटिस नाम से बीमारी पैदा होती है। उस कंडीशन में इसकी जो थैली है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, इसके अंदर फ्लूड की मात्रा काफ़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो तब वहाँ से जो पेरिकार्डियम है वहाँ से फ्लूड को कलेक्ट किया जाता है, वो कलेक्ट करने के बाद में इसको लैब के लिए भेजा जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो फ्लूड की नॉर्मल क्वांटिटी जो होती है वो 50 ml के आसपास तक होती है। जब पेरिकार्डिटिस होती है तो 50 ml से ज़्यादा इसकी जो क्वांटिटी है वो होनी शुरू हो जाती है। और अगर इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया जाए या फिर उस फ्लूड को नहीं निकाला जाए तो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। हार्ट के लिए बहुत सारी जो कंडीशंस है, जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं साइनोवियल फ्लूड की। साइनोवियल जो फ्लूड है वो होता क्या है, देखिए जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, अब जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं ये फ्लूड उन्हीं के अंदर मौजूद होता है। देखिए साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूड मौजूद होता है, वहीं से इसका कलेक्शन किया जाता है। जब आपने सुना होगा अर्थराइट्स की प्रॉब्लम, यानी कि जो जोड़े जो होते हैं जॉइंट्स होते हैं जितने भी, इनमें जब दर्द या सूजन या जकड़न शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो ये साइनोवियल फ्लूड की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब इनका यहाँ से कलेक्शन किया जाता है। जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ से कलेक्शन डॉक्टर करके इसको साइटोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है और फिर उस पर स्टडी किया जाती है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं बाल फ्लूड की। जो ब्रोंकियल एल्वोलियर फ्लूड है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ब्रोंकियल एल्वोलियर का मतलब ये होता है कि ये फ्लूड जो है, जो हमारे लंग्स होते हैं
फेफड़े जिन्हें हम बोलते हैं, उनका जो निचला पार्ट होता है ना उसको हम ब्रोंकी बोलते हैं। ये फ्लूड वहाँ मौजूद होता है। अब जो ब्रोंकी होते हैं, जब उनके अंदर किसी भी टाइप के बैक्टीरियल, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि टीवी के केस में जो होता है, ये जो बैक्टीरिया इसका वो ब्रोंकी पे ही अटैक करता है, उस कंडीशन में क्या है कि ये फ्लूड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तब डॉक्टर इसको ब्रोंकोस्कोपी कर इस फ्लूड का कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करने के बाद में इसको लैब के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों ये तो रही जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ फ्लूड्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोसीजर क्या होता है फ्लूड्स का, कोई जो उस एक पैथोलॉजी के अंदर, क्योंकि हम बात, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा जो मेन मोटिव है, वो सिर्फ फ्लूड्स के बारे में बताना नहीं है, वो है कि हम फ्लूड को कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, कैसे कंप्लीट प्रोसीजर उसका होता है, और फिर हम उसको डॉक्टर को देते हैं, कहाँ तक उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो होती है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ फ्लूड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही फ्लूड आपके साथ पास में आएगा लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ से डॉक्टर कलेक्ट करते हैं, वो एक क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ में एक TRF फॉर्म होता है, उसको फिलअप करके देंगे, जिसको पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो उसको रीड आउट करते हैं और जो कंडीशन होती है उसको समझते हैं। देन उसके बाद में एक टेक्नीशियन का काम क्या होता है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं स्लाइड को, और साथ ही जो उसकी जो साइटोलॉजी होनी होती है, जो सेल्स काउंट होने होते हैं, WBC और TLC DLC जो काउंट होने होते हैं, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया कि जो TRF फॉर्म आएगा वो उसको उसके साथ में उसी पे हिस्ट्री लिखते हैं पीछे। हमें जो फ्लूड है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें मोस्टली जो 4 प्रोसीजर जो होते हैं उनको फॉलो करना होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरिन भी एक बॉडी फ्लूड ही है। मैंने आपको यूरिन के बारे में, मैंने जो वीडियोस बनाई आप देख सकते हैं उनमें जाके, कि कैसे हम यूरिन को 3 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपी, वैसे ही कंडीशन अप्लाई होती है हमारे फ्लूड के केस में। देखिए, फ्लूड में क्या करना होता है, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर भी, ठीक है। उसमें हम जो फ्लूड होगा, हमें पहले ये देखना है कि ये कौन सा फ्लूड है, पेरिटोनियल है या फिर आपका साइनोवियल है या फिर CSF है या फिर आपका पेरिकार्डियल, कोई भी फ्लूड है, ठीक है, वो हमें लिख देना है उसके ऊपर, पेपर के ऊपर। देन उसके बाद में उसकी क्वांटिटी देखनी है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 50 ml, 20 ml, कितनी है। उसके बाद में हमें उसका कलर देखना है, कलर कैसा है उसका, कलर कैसा भी हो सकता है, अगर CSF फ्लूड है तो वो आपका जनरली आपका कलर लेस होता है, और बाकी जो फ्लूड्स होते हैं उनका कलर अलग अलग होते हैं, रेडिस हो सकता है, येलो भी हो सकता है, आपका पेल येलो हो सकता है, पेल रेडिस होता है, ऐसे भी कलर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस में ही, इसके बाद हम बात करते हैं उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब यानी कि उसके अंदर टर्बिडिटी है या क्लियर है या किस टाइप का है। अगर देखो, अगर किसी भी फ्लूड्स के अंदर WBC या RBC की क्वांटिटी होती है तो जनरली वो टर्बिडिटी भी उसके अंदर होती है। अगर क्लियर है तो सेल्स का भी मौजूद होना बहुत कम हो जाता है। और इसके बाद ये तो रही फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल एग्जामिनेशन में देखो, यूरिन की तरह तो इसमें सारी चीज़ें नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें नोट डाउन करना होता है। बाकी तो हम जो हमारे स्ट्रिप्स होती हैं या लिटमस पेपर होता है उससे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केमिकल एग्जामिनेशन होता है वो इस मशीन के द्वारा ही होता है, जो स्पेशल मशीनें होती हैं उनके द्वारा करते हैं। देखिए, इसमें हम नॉर्मली क्या 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 लिख सकते हैं, आप इसमें pH लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकते हैं, और शुगर और प्रोटीन जो होता है, माइक्रो प्रोटीन और ADA। जनरली तो यही चीज़ें आती हैं एक केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ से 2 चीज़ें बनती हैं दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी स्लाइड प्रिपरेशन करनी है, साथ ही हमें डाइल्यूशन बनाना है न्यूबर चैम्बर के लिए, यानी कि जो सेल्स हैं उनको काउंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इधर बात करते हैं जो हमारा डाइल्यूशन है वो कैसे होगा। देखिए, डाइल्यूशन के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि अगर आपका जो फ्लूड है वो नॉर्मल है, यानी कि क्लियर है, उसके अंदर आपको ज़्यादा टर्बिडिटी नज़र नहीं आ रही है, तो आप 1:1 का रेशो ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक क्यूबिट लेनी है, जो 2 ml कप की क्यूबिट होती है वो लेनी है। उसमें आप पीपेट 100 microliter पीपेट की हेल्प से आप 100 microliter आपको फ्लूड लेना है उसके अंदर, और 100 microliter ही आपको WBC फ्लूड काउंटिंग लेना है,
जो WBC काउंटिंग फ्लूड होता है वो लेना है। दोनों को मिक्स कर देना अच्छे से। मिक्स करने के बाद में उनको रख देना है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए क्या करना है, आपको 5 to 7 मिनट्स के लिए वेट करना है। जब वो सारी सेल्स सेटल डाउन हो जाती है तब बहुत अच्छी तरीके से आपका जो न्यूबर चैम्बर होगा वो चार्ज होगा। अब 7 मिनट वेट के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका न्यूबर चैम्बर होता है उसको चार्ज करना है, जैसे कि आप कवर स्लिप लेके चार्ज करते हैं वैसे करना है, और उसको दोनों तरफ से लोड कर देना है। दोनों तरफ उसको चार्ज करके आपको पैथोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद वो अपनी जो सेल्स होंगे वो काउंट करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो देंगे। ठीक है, ये तो एक साइड वाला प्रोसेस रहा। अब दूसरी साइड बात करते हैं, हमको स्लाइड कैसे प्रिपेयर करनी है। स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमें ट्यूब लेनी होगी, कांच ट्यूब ले लो या रिया ट्यूब ले लो। उसके अंदर हमको फ्लूड लेना होगा, जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, 1 ml, 1.5 ml या फिर उससे भी कम। लेने के बाद में हमें सेंट्रीफ्यूज करना है इस फ्लूड को। कितना आपको करना है, 1500 से लेके 2000 rpm पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में आपको जो सुपर नेट पार्ट होता है वो केमिस्ट्री के लिए सूटेबल होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ साइटोलॉजी की, तो सुपर नेट पार्ट जो है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो सेडिमेंट पार्ट है हम उससे स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें करना क्या है कि फिर से हम टिप लेंगे और पिपेट लेंगे और जो हमारा सेडिमेंट पार्ट है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर हम उसमें कलेक्ट करते हैं और हम एक स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड जो होती है उसके ऊपर हम एक ड्रॉप डालेंगे। ड्रॉप डालने के बाद में या तो हम जो हमारे पास में जो रिया ट्यूब है उसी से, या फिर हम फ्रेश ट्यूब जो टिप है वो ले सकते हैं। टिप लेके अब टिप से हमको ओवल शेप में, यानी कि जो हमारी थंब शेप होती है उस शेप में हमें स्मीयर ड्रॉ करनी है, उसमें स्मीयर बनानी है। बनाने के बाद उसको हम सूखने के लिए रख देंगे। जब तक वो ड्राई नहीं होती है अच्छे से तब तक हम स्टैनिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज वो आपकी सारी स्मीयर धुल जाएगी। अब इधर स्मीयर सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद में देखिए, इंस्टेंट अगर आपको तुरंत आपको कोई भी फ्लूड के लिए आपको स्लाइड देखनी है तो आप टोलोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टोल में डाल के आप इसको स्टैंड करके दे सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद तो आप, आपके पास में लिस्मैन स्टैनिंग है, जिम्सा स्टैनिंग है, पेप स्टैनिंग है, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टैंड करके हम दे सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था, ये बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। यही सब फॉलो करना होता है एक फ्लूड को प्रिपेयर करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने भी जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये काफ़ी अच्छी दी है और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।